सो ये है मेरी बाइक रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, जिस पे आज हम लोग क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे। बैटरी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल होगी। अभी मैंने ये चार्ज पे दी थी, चार्ज हो गई है। अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी प्यारी सी धनों पे। क्या क्या सामान लगेगा, क्या लगेगा, सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। ये है रॉयल एनफील्ड का टूल किट, इसमें से अपने को क्या क्या लगेगा। ये दो एलेंकीज लगेंगी, तीन दी होती है उसमें से ये दो लगेगी। ये स्क्रू ड्राइवर लगेगा और एक चीज़ और लगेगी जिससे आपका ये सब कुछ हो जाएगा, जो है आपका 10 नंबर रेंच, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। दो पीसेज अवेलेबल है, एक मेरे पास घर में पड़ा है और एक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, एक मेरे टैंक बैग में रखा हुआ है। जब लॉन्ग ट्रिप में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को इन हैंड रखना पड़ता है कुछ हैंडी, तो उससे क्या नीचे वाला खोलना ना पड़े बार बार, इसलिए हम लोग ये मैंने वो हाथ में निकाल के रख लिया है। तो अपने को क्या क्या लगेगा, सबसे पहले ये चार माथा स्क्रू ड्राइवर, 10-12 नंबर रेंच और ये दो एलेंकीज, तीन अवेलेबल है इसके अंदर, अपने को दो लगेंगी। रख के दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4 और एक चीज़ और, जो बाइक की चाबी, चाबी जिससे आपका ये फर्स्ट काउल जो है खुलेगा, यहाँ लगा रहता है, इसको खोलना होगा इस चाबी से। सबसे पहले अपने को क्या लगेगा, ये चाबी लगेगी बाइक की, जिससे हम लोग इस तरफ का ये खोल लेंगे। ये खुल गया, इसको खोलना है, फिर इसको नीचे पुश करना है, पुल करना है। पुल करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब ये चाबी का काम ख़त्म। ये आपका टूल बॉक्स के अंदर रॉयल एनफील्ड ने अच्छा खासा सामान दिया है। और अब क्या करना है, अपने को सीट खोलनी है। सीट कहाँ से खुलेगी, ये लीवर आप प्रेस करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, सीट खुल जाएगी। सीट को आप एक साइड में रख लीजिए। नेक्स्ट क्या काम है, ये वाले साइड वाला अपने को खोलना है, दिस साइड, ये साइड खुलेगा। ये कैसे खुलेगा, इसके लिए आपको एलेंकी की ज़रूरत पड़ेगी। तीन एलेंकी मिलती है, तीन एलेंकी में से सबसे छोटी वाली जो एलेंकी है उससे खुलेगा। मैंने लास्ट डे इसको खोल के दिया था मैकेनिक को चार्ज करने के लिए, तो आधे पार्ट्स मैंने पूरे टाइट नहीं किए थे, जो हम लोग अब टाइट करेंगे। तो ये खुल गया हम लोग का। अब इसको क्या करना है, इसको खाली बाहर पुल कर लेना है, ऐसे पुल करके। ये नीचे वाला फंसता है तो नीचे वाले को ऐसे बाहर निकालना है। इसमें आप इसका स्क्रू रख दीजिए, एलेंकी भी रख दीजिए। जो एलेंकी काम नहीं आई, ये दो, इन दोनों को वापस डाल दीजिए, ताकि आपका कोई भी टूल्स इधर उधर मिसप्लेस ना हो। नेक्स्ट अपने को लगेगा क्या, नेक्स्ट हम लोग को लगेगा रेंच, जिससे हम लोग खोलेंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये तीनों खोलेंगे। मैंने जैसे बताया कि मैंने लास्ट डे खोल के दिया था, तो इसीलिए मेरा ये सब कुछ अभी लूज है, उतना टाइट नहीं है। अभी अपने खोल रहे हैं इसको, ये खुल जाएगा तो आपका
बैटरी जहाँ लगता है वो जगह आपको दिख जाएगी। इन तीनों को यहाँ एक साथ रख दो, ये रेंच रख दो, और ये सेम एक इधर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एक स्टॉपर है जहाँ पे बैटरी फिक्स होती है, ये एक स्टॉपर है जहाँ बैटरी फिक्स होती है, ये भी एलेंकी से खुलेगा। तो एलेंकी हमने उस साइड छोड़ दी, यहाँ से एलेंकी ले लेते हैं और इसको भी, अच्छा इसमें बड़ी वाली एलेंकी लगेगी, खोल लेते हैं हाथ से, थोड़ा लूज है ही। ये स्टॉपर भी खोल लिया, अब आपको आपकी बैटरी लानी है और कनेक्शन करने है। बैटरी कहाँ है मेरी? मेरी बैटरी यहाँ है, पॉजिटिव साइड आपके राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव साइड होगा। इसको आपको ऐसे अंदर पुश कर देना है, पुश करके बैटरी अपनी जगह पर आ गई। अब क्या करना है, उस तरफ पहले उस तरफ का कनेक्शन करते हैं। ये एक जॉइंट है जिसको आपको खोल लेना चाहिए, जॉइंट नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा, वैसे खुल गया। अब क्या, अब आपको ये नेगेटिव साइड लगाने में आसान हो जाएगा। ये आपके पास सिंबल दिए हुए हैं, ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव का सिंबल कहाँ है, पॉजिटिव का सिंबल पॉजिटिव का सिंबल इसके अंदर दिख रहा होगा आपको। सो बैटरी ख़राब होने का कारण क्या है? बैटरी ख़राब होने का कारण है कि आप प्रॉपर यूसेज नहीं कर रहे हैं बैटरी की, गाड़ी की, इसलिए आपकी बैटरी जो है वो ख़राब हो गई। अभी तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटरी मैंने चार्ज कर ली, ये जो दो नट्स हैं ये आप रेंच से खोल लो, ये सब आसान काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए जो फंस जाते हैं लोग उनके लिए है कि अब जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं राइड पे, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, तो अब आपको अगर खुद करने को नहीं आए तो फिर कैसे होगा। इसीलिए ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है अगर आपको कुछ आता है खुद से करना। अभी जैसे मेरे को इसका पॉइंट नहीं मिल रहा कि कैसे लगाएं, यही जो मिस्त्री होते हैं उनको आता है सब, एक बार में वो कर लेते हैं। इसको दो तरह से किया जा सकता है, सिंस उस जगह पे रेंच पहुंचना इज़ वेरी टाइट, तो इसमें चार माथा मुंह होता है इसका, जिससे आप इसको टाइट कर सकते हैं, और टाइट उतना ही करें जितना
कि ये ले पाए। एक्सेसिव टाइट करने से टूटने का भी डर रहता है। ये जो स्टॉपर था, ये हम लोग स्टॉपर अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। एसी अपना घुमा घुमा के बैटरी हमने बैठा दी, पॉजिटिव पॉइंट हमने जोड़ दिया, नेगेटिव पॉइंट हम जोड़ने जाएंगे अभी कुछ देर में। उससे पहले ये स्टॉपर बिठा देते हैं, स्टॉपर बिठाएंगे और ये स्ट्रैप लगाएंगे जिससे आपकी बैटरी जो है वो प्लेस पे रहे। और एक चीज़ हमेशा ख्याल रखें, ये हो गया आपका प्रॉपरली टाइट। और एक चीज़ ख्याल रखें, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है तो इसको जितना टाइट होना चाहिए उतना टाइट, अगर ये नहीं हुआ तो काम बिगड़ भी सकता है बनने की जगह, ये आप अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट साइड का अपने करेंगे। एक फ़ोन आ गया मेरा, उसको ऑफ कर दिया। नाउ अदर साइड पे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड लगाने के लिए भी सेम प्रोसेस है। ये रेंच और स्क्रू ड्राइवर ले लेते अपने। पहले बैटरी का माथा खोल लो, ये आपका माथा खुलता हुआ। माथा खुल गया, अब आपको इंश्योर ये रखिएगा कि बैटरी आपकी इग्निशन जो है वो ऑन ना हो, इग्निशन ऑन ना हो क्योंकि करंट भी मार सकता है। स्क्रू छूट गया, स्क्रू वापस पकड़ो, फिर छूट गया इस बार तो अंदर ही चला गया बैटरी के। और ये, अरे भगवान जी हो जाओ, मिस्त्रियों का काम तो मिस्त्री कर सकते हैं, कुछ हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे लगाते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले उसमें इंसर्ट करके वहाँ ऊपर से डाल दो, डाल के अब यहाँ से इसको स्क्रू टाइट कर दो। स्क्रू टाइट करने जा रहे हैं, नीचे वाला नट आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर आ रहा है, और आ गया। साइड प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए, कुछ लूज़ कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, ये ख्याल रहे। लूज़ कनेक्शन अगर रहा तो
आपको प्रॉब्लम होगी आपकी गाड़ी को। सो नेगेटिव नेगेटिव में लग गया, पॉजिटिव पॉजिटिव में लग गया, ये हमने वापस बंद कर दिया, बैटरी आपकी लग गई। अब आपको क्या करना है, इस साइड वाले काउल को आप बंद कर दीजिए, ये वाले साइड को बंद करने के लिए ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग डालेंगे इसके अंदर, और अंदर चला गया। और ये एक होल आपको नज़र आ रहा है जिसमें जिसमें ये वाला पॉइंट जाएगा, वो चला गया उसमें, वो नीचे एक हल्की सी टिक आवाज़ आएगी, और ये वाला यहाँ अपने टाइट करेंगे। इसके लिए छोटा वाला एलेंकी लगना था, छोटा एलेंकी खोज के लाओ, कहाँ है छोटा एलेंकी, छोटा एलेंकी ये वाला है छोटा एलेंकी। और टाइट कर दो, हो गया टाइट। नाउ इस साइड के ये जो तीन बटन्स हैं, जो ये तीन पॉइंट हैं, इसके तीन स्क्रू ये रहे, पहले स्क्रू लगा के फंसाइए, टाइट मत करिए उसको, टाइट अपने एक बार में कर पाएंगे, एक बार में करेंगे, ताकि अगर कुछ कोई पॉइंट सही जगह पे नहीं बैठा है तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट कर देंगे तो फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपने को पहले सारे स्क्रू इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल होने के बाद में आपको इसको टाइट करना है, किससे, ये रेंच 10 नंबर रेंच से टाइट हो जाएगा। याद रहे ज़्यादा प्रेशर आपको कहीं पे भी देना नहीं है कि स्क्रू ही हाथ में आ जाए। बस हो गया। सो आपकी बैटरी इंस्टॉल हो गई उसके अंदर, बैटरी इंस्टॉल हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस ये टूल किट को असेंबल करेंगे, टूल किट को असेंबल करके उसका सामान उसके अंदर रखेंगे, ताकि फ्यूचर में जब आपको यूज़ हो तो आप उसको यूज़ कर लें। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, तीन एलेंकी होती हैं, तीनों एलेंकी को अपनी जगह में डालिए, डाल के बंद करिए, स्क्रू ड्राइवर काम ख़त्म, इसको भी अंदर, और टूल किट का काम ओवर, टूल किट बंद करो। टूल किट का काम ख़त्म, टूल किट का वापस अपनी जगह पे इसको रीइंस्टॉल करो। ये हो गया रीइंस्टॉल। अब आपको ये वाला काउल भी लगाना है, इसके लिए क्या करना है, इसको ये दो पॉइंट्स को इसमें इसको अप पुश करेंगे, अप पुश करने के बाद इसको नीचे से बैठाएंगे, बैठा के लॉक करना है।
लॉक नहीं हो रहा है, दिस मीन्स कि आपका ये प्लेस नहीं हुआ है ठीक से। प्लेस हो गया, इट इज़ ऑल डन। अब अपनी सीट लगा लीजिए। सीट कैसे लगाएंगे? जस्ट यहाँ हल्का पुश और नीचे से लॉक, ये हो गई सीट आपकी लॉक। और DIY में हमारी बैटरी इंस्टॉल हो गई और अब मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाऊंगा। तो बाइक हो गई चालू, अब एक बार वापस आपको बंद करके ऑन करके दिखाते हैं। सारे के सारे मीटर ऑन, सब कुछ ऑन, चार्ज हो गया, बैटरी लग गई और रेव अप करके दिखाएंगे अब। जूम, यस, ये हुई रेडी। अब हम लोग ये एपिसोड में आपको दिखाऊंगा अपने चैनल MobiIB पे। ये मेरी बाइक और ये मेरा प्यारा सा दोस्त जो सब काम करा देता है, सिखा देता है हम लोग को, इसी ने हेल्प की थी हमारी बैटरी निकालने के लिए। और अब उसको मैंने देख लिया था थोड़ा बहुत, तो देख के मैंने खुद ही इंस्टॉल कर ली और फाइनली इसको बुलाया कि ये आके चेक कर ले कि सब कुछ ओके है। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। एक राउंड मार के आया जाए चेस्ट वाला लगा के। छोटा सा राउंड, बैटरी लगाने के बाद एक टेस्टिंग करना गाड़ी चल रही है कि नहीं। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट घूम रही है, चल रही है और ज़्यादा बड़ा राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जगह भी नहीं है। और अभी मैंने अपने राइडिंग गियर्स भी पूरे नहीं पहने हैं, इसीलिए मैं ये किसी को बोलूँगा भी नहीं कि आप बिना राइडिंग गियर्स के बाइक चलाएं, स्कूटी चलाएं, टू व्हीलर चलाएं। यू मस्ट ऑलवेज वियर प्रॉपर गियर एंड कीप प्रॉपर सेफ्टी फॉर योरसेल्फ। बैक टू पार्किंग, पीछे से निकालो, सामने से डालो। अपनी जगह पे पहुंच गई, धन्नो। अरे ये हो गई पार्क, लॉक कर दिया मैंने।